हेलो फ्रेंड्स कैसे मत भूलिएगा देखिए मैंने दो प्रकार की ऊल लिया है ऊल को किया है डबल फोल्ड ठीक है इसी से डोरमेट बनाएंगे बहुत ही प्यारी सी डिजाइन तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं देखिए आज हम ये वाली डिजाइन बनाएंगे बहुत ही प्यारी सी डिजाइन है जो मैंने इसकी एक कली बना के देखिए इसकी बना ली और एक इसकी बना ली दोनों की बना ली ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके तो इसमें हमने टोटल देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस ठीक है टोटल मैंने उन्नीस फंदे लिए हैं इसी से हम डोरमेट बनाएंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट है करते हैं देखिए मैंने इसमें इस तरीके से बना लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके तो इसमें हमने उन्नीस फंदे लिए हैं उन्नीस फंदे के बाद हमने यहाँ पे देखें इस तरीके से जो ये वाली रो है ये वाली देखिए यहाँ पे हमने जो फंदे डाले थे उसके बाद सेकंड रो में मैंने एक रो बनाई यहाँ पे वाइट कलर से इसमें दो फंदे छोड़े दो इसमें छोड़े तो इसके आगे का प्रोसेस दिखाते हैं देख, चलिए देखिए इस तरीके से सबसे पहले हम यहाँ पे देखें यहाँ से देखिए यहाँ पे एक फंदा बढ़ाते हुए एक दो फंदे हमारे हो गए तीन चार पाँच सात, आठ नौ दस तो इसमें और डिज़ाइन आपको दिखाएंगे जो बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है तो वीडियो में एंड तक बने रहें और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन देखते रहें तो देखें इस तरीके से इस डोरमेट में पे मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी चार पांच तरह अलग अलग डिज़ाइन तो देखिए यहाँ से इस तरीके से मैंने दो फंदे पहले छोड़े फिर दो छोड़े और फिर दो छोड़े दो फिर से छोड़ेंगे और यहीं से हम पलट लेंगे इस तरीके से अब ऊपर की साइड एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और एक ये पंद्रह देखिए इस तरीके से अब यहाँ का नीचे किनारे का फंदा देखिए सॉरी यहाँ से हम सीधी साइड से लेंगे ठीक है जब भी किनारे का फंदा लें सीधी साइड से लें यहाँ से सीधा बुनेंगे और यहीं से हम पलट लेंगे आप देखिए एक फंदा बढ़ाते हुए यहाँ पे हम कलर को ऐड करेंगे इस तरीके से धागे को पकड़ें और यहाँ से इस तरीके से एक बार गोल राउंड करें और इस तरीके से आप धागा बढ़ाएंगे ना फंदा तो बहुत आसानी से बढ़ जाता है और बहुत आसान हो जाता है बुनाई करने में तो देखें यहाँ से इस तरीके से आगे की साइड सभी फंदों को हम बुनेंगे यहाँ से तो इस तरीके से दो दो करके हम ऊपर की साइड आप, आप बना लेते हैं उसके बाद आपको इसके आगे का प्रोसेस दिखाएंगे देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक एक करके लास्ट तक की हम यहाँ तक की बनाएंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे ठीक है तो अभी देखिए यहाँ पे हमने एक एक करके दो एक दो तीन चार पाँच ठीक है छः रो में हमने यहाँ पे दो दो करके फंदे छोड़े और एक एक करके यहाँ पे यहाँ पे बढ़ाया हुआ है अब देखें यहाँ से इस तरीके से एक अब यहाँ पे हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस देखिए नीचे की साइड हम दो छोड़ते हुए जाएंगे और ऊपर की साइड कोई फंदा हम नहीं छोड़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं और जो जैसा है वैसे ही अब यहाँ पे हमें बुनना है इस जगह पे अब जो जैसे है वैसे ही बुनना है यानी कि हमें वाइट को वाइट से बुनना है और ग्रीन को ग्रीन से बुनना है देखिए इस तरीके से अब यहाँ से पलट देंगे ठीक है यहाँ से पलट देंगे सीधी साइड से लेंगे और देखें अब यहाँ से इस तरीके से फिर से हम यहाँ पे कलर को ऐड करेंगे ग्रीन कलर को एक दो तीन चार पाँच छ सात और एक आठ ठीक है आठ फंदे हमने बुने और यहीं से हमने पलट लिया बिना कोई फंदा बढ़ाए हुए सिर्फ यहाँ पे हमें दो फंदे छोड़ने हैं ठीक है थीके? तो दो फंदे छोड़ते हुए ऊपर की साइड अब जाएंगे यहाँ से ऊपर की साइड की बुनाई करेंगे यहाँ से सीधा पलट लेंगे और सीधी साइड से लेंगे ठीक है यहाँ से सीधा बुनेंगे अब यहीं से हम पलट लेंगे पलटने के बाद देखिए इस तरीके से अब यहाँ से हम फिर से वाइट कलर को बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः ठीक है छः फंदे हमने बुने आप देखें जो फंदे तो हमने यहाँ पे छोड़े थे वो यहीं से देखें अभी यहाँ पे इन सभी फंदों को एक साथ में बुनेंगे और एक फंदा हम नीचे की साइड से लेंगे ठीक है जो फंदे हमने छोड़े थे वहां से हम एक फंदा बुनेंगे और यहीं से वापस चले जाएंगे ठीक है यहां से हम पलट लेना है ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल आपकी सरल भाषा में आपको बता रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सके अब यहाँ से सभी फंदों को इस तरीके से बुनना है यहां से बुन लेना है देखें अब इस तरीके से अब यहाँ से पलट देंगे सीधी साइड से लेंगे कोई फंदा नहीं बढ़ाना है जो जैसे है हमें वैसे ही बुनना है ठीक है यहाँ से फिर से ग्रीन को बुनेंगे दो तीन चार सॉरी यहाँ पे देखें इस तरीके से चार पाँच छः सात आठ नौ और एक यहाँ पे जो हमने छोड़ा था एक बुना था एक छोड़ दिया था दस देखिए एक यहाँ पे बुनें और एक नीचे की साइड से ग्रीन वाला बुनेंगे एक ही बुनना है हमें एक बुनेंगे और यहीं से पलट देंगे इस तरीके से अब यहाँ से देखिए इस तरीके से ऊपर की साइड जाएंगे यहाँ से ऊपर की साइड जाएंगे तो इस तरीके से मैं यहाँ से पूरे फंदे बना लेती हूँ उसके बाद आपको दिखाती हूँ ठीक आप देखिए यहाँ पे हमने एक दो तीन चार पाँच पाँच रो में हमने एक एक करके फंदे बढ़ाए और यहाँ पे तीन रो में हमने बराबर से बुने फिर यहाँ पे तीन बराबर अब यहाँ से देखें अब यहाँ से हम करेंगे दो का एक ठीक है एक फंदा हम करेंगे दो का एक और नीचे की साइड जाएंगे इस तरीके से यहाँ से सभी फंदों को हमें बुनना है तो यहाँ से बुन लेते हैं उसके बाद देखिए इस तरीके से ठीक है यहाँ पे अब एक फंदा नीचे की साइड से हम बुनेंगे और एक वाइट का बुनेंगे यहीं से पलट लेंगे अब जो जैसा है वैसे ही हमें बुन लेना है कंप्लीट रो बनाएंगे ठीक है यहाँ से इस तरीके से तो मैं इतना बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ ठीक है ऊपर की साइड से हमें एक एक फंदा कम करना है देखिए इस तरीके से अब यहाँ पे हम सभी फंदे बुनेंगे ठीक यहाँ से ध्यान से देखिएगा वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो देखिए यहाँ से फिर से पलट देंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब का कोई चार्जेस नहीं होता है ठीक है अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आसानी से आप हमारी डिज़ाइन को देख सकेंगे मैं डेली एक वीडियो अपलोड करती हूँ आप डेली एक डिज़ाइन को चेकआउट कर सकते हैं ठीक है दो, दो का एक किया हमने यहाँ पे आप नीचे की साइड बुनेंगे इस तरीके से तो आप डेली एक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारे साथ जुड़ने के लिए कोई चार्जेस नहीं होता है क्योंकि सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं होता है ठीक है यहाँ से और आसानी से आप हमारी सभी वीडियो को डेली साढ़े दस बजे में अपलोड करती हूँ तो आप साढ़े दस बजे चेकआउट कर सकते हैं तो देखें यहाँ से अब इसे उतारेंगे और नेक्स्ट फंदे से सभी डिज़ाइन को देखिए यहाँ से सभी फंदों को बुनेंगे इसी तरीके से यहाँ पर हम दो का एक करेंगे और यहाँ पर एक एक करके सभी फंदों को बुनते हुए नीचे की साइड जाएंगे अब ये लास्ट में इस तरीके से देखिए सभी रो को यहां पे सभी फंदों को एक साथ में बुनेंगे जो जैसा है वैसे ही हमें बुन लेना है ठीक है देखिए इस तरीके से अब यहां से हम सीधी साइड से लेंगे इस देखें इस प्रकार से ये देखें इस तरीके से हमारी एक कली ये वाली बन के रेडी हो गई और एक ये वाली इस तरीके से देखें यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे फंदे डाले ठीक है उसी तरीके से जैसे ये कली बनाई है उसी तरीके से ये वाली कली बनाई उसके बाद बीच में इस पैटर्न को बनाया जो इसी तरीके से कली में बनेगा जो यहाँ का प्रोसेस सेम ही रहेगा और यहाँ पे आठ फंदे लेके उसके बाद एक एक फंदे ऊपर की साइड में बढ़ाने हैं एक दो तीन चार पाँच छः रो में ठीक है छः रो के बाद फिर पाँच रो हमें डाउन करनी है उसके बाद यहाँ से बराबर के फंदे बुनने हैं इस तरीके से हमारी कंप्लीट डिज़ाइन बनके रेडी होगी